हम समय समय पर ये बताते रहते हैं कि जो बुद्ध से संबंधित बातें हैं जिनको उल्टा करके प्रचारित किया जाता है, बताया जाता है, वो दरअसल सच में है क्या। जैसे बुद्ध रात को घर छोड़ के भागे, ये बिल्कुल झूठा है। इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और सम्राट अशोक ने हथियार रख दिए इसलिए हम गुलाम बने, ये भी बिल्कुल झूठी बात है। इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में एक बात कही जाती है कि बुद्ध बहुत दब्बू थे, वो हिंसा से डरते थे, लड़ते नहीं थे, लड़ाके नहीं थे। उनको ऐसा प्रचारित किया जाता है कि वो कई सभाओं में जहां युद्ध कौशल दिखाना होता था वहां उन्होंने युद्ध कौशल नहीं दिखाया। ऐसी मिथक ऐसी बातें हैं। दरअसल बुद्ध से या सिद्धार्थ गौतम से बड़ा दुनिया के अंदर आज तक कोई लड़ाका हुआ ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं पैदा हुआ जिसने हिंसा को हराया हो, हिंसा का विरोध किया हो और हिंसात्मक आदमी जितने भी हैं उनका सामना किया हो। डाकू अंगुली माल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोगों को मारकर उसकी अंगुली की एक माला बनाता था, इसलिए उसका नाम अंगुली मान पड़ा, जो बड़ा ही निर्दय था। यहां तक कि राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर पाती थी और बुद्ध ने अकेले ही उसका सामना किया और उसकी हिंसा को दूर किया। ये छोटे मोटे उदाहरण हैं जिसमें एक जो नालागिरी करके हाथी है उसका भी उन्होंने जवाब दिया और उसकी हिंसा को शांत किया। ऐसे हजारों लोगों की हिंसा को उन्होंने सामना किया, शांत किया, कभी डरे नहीं, निडर रहे। उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे और आप जानेंगे तो बुद्ध ने जितनी भी हिंसा थी उनका पूरा जवाब दिया। कभी वो मुंह छिपाकर नहीं भागे, कभी वो उनके सामने से नहीं हटे, ना ही उनको कभी भय लगा। बेसिकली हिंसा जो पैदा होती है, आदमी जब आदमी को मारता है तो सबसे पहले ये बात उसके मन में आती है, फिर उसके वचन में आती है, गाली गलौज में आती है, फिर उसके व्यवहार में आती है जब वो मारता है या कोई हथियार उठाता है या वो घायल करता है या जख्मी करता है। बुद्ध ने अपने अंदर की सारी हिंसा को खत्म किया, अपने अंदर की सारी हिंसा से लड़े। सबसे पहले अपने अंदर की हिंसा खत्म की, अपने अंदर की हिंसा खत्म करने के बाद फिर उन्होंने दुनिया के लोगों की हिंसा खत्म की। धन्यवाद। Time.